130 करोड़ लोगों की जान बचाने में समर्थ है? नो, इंडिया कांट डू इट। वैक्सीन नहीं है ना तो लाइफ ही नहीं है। हरी पत्ती फुल खंबा, थोड़ा डराऊंगा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ता काटेगा उसे लेटाऊंगा। मेरे पंच का साउंड 4 मीनार तक सुनाई देगा। मेरे घर की तहरीज तो क्या, तू मेरे स्टेट की बॉर्डर क्रॉस करके बता। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेलुगु की पैन इंडिया रिलीज फिल्म स्कांदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे रामपोथी नैनी श्रीलीला एंड साई मजरेकर स्टार फिल्म स्कांदा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डी 4 की। बात करें तो फिल्म स्कांदा फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के मामले में ब्लॉकबस्टर कमाई कर रही है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस को सिनेमाघरों में खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। सुपर डुपर एक्शन फिल्म स्कांदा के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 4 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं और फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर भी बेहतरीन कमाई जारी है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म स्कांदा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 8 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म स्कांदा का फ्रॉम डे 4 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 40.55 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से 32 करोड़ की ग्रॉस कमाई अभी तक कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म स्कांदा को ओवरऑल 80 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कोस्ट को मिलाकर। वही दोस्तों फिल्म के बारे में आप सभी को बता दूं तो फिल्म को बोहेपति श्रीनु डायरेक्ट कर रहे हैं। दोस्तों फिल्म एक फैमिली मोशंस के साथ साथ एक्शन भरी फिल्म है। फिल्म में काफी जबरदस्त सीन्स हैं जो आपको देख करके आपके दिमाग सुन कर सकते हैं। फिल्म स्कांदा को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस बेहतरीन फिल्म का लुत्फ जरूर उठाए। चलिए दोस्तों बात करते हैं राहुल लॉरेंस एंड कंगना रनौत स्टार फिल्म चंद्रमुखी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म चंद्रमुखी 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर अनस्टॉपेबल नजर आ रही है। कलेक्शन करने के मामले में फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म चंद्रमुखी 2 के आज संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म चंद्रमुखी 2 ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर वर्ल्ड वाइड से 10 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है। इसी के साथ फिल्म चंद्रमुखी 2 का फ्रॉम डे 4 तक टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 43 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है, जहां फिल्म का अपने स्टेट तमिलनाडु से 25 करोड़ ग्रॉस तो वही फिल्म का आंध्र प्रदेश प्लस तेलंगाना बॉक्स ऑफिस से अभी तक 7 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई कर चुकी है। फिल्म चंद्रमुखी 2 के बजट की बात कर ले तो फिल्म चंद्रमुखी 2 को ओवरऑल 65 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रमोशन कोस्ट को मिलाकर। और दोस्तों फिल्म चंद्रमुखी 2 अपने बजट के मुकाबले बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर 50 करोड़ के आंकड़े के बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। दोस्तों फिल्म चंद्रमुखी 2 ऑडियंस को खींचने में पूरी तरह से कामयाब हो रही है। फिल्म के क्रिटिक्स के द्वारा और फिल्म के ऑडियंस के द्वारा फिल्म को काफी पॉजिटिव बताया गया है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके चंद्रमुखी 2 का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पुलकित सम्राट वरुण शर्मा मंजूर सिंह एंड पंकज त्रिपाठी स्टार फिल्म फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे कॉमेडी फिल्म फुकरे 3 की तो फिल्म फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने के मामले में अनस्टॉपेबल है। फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर ताबड़तोड़ कमाई जारी है। फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर बेहतरीन कमाई की है। फिल्म फुकरे 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म ने अपने संडे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर ताबड़तोड़ कमाई करते हुए इंडिया बॉक्स ऑफिस से 15 करोड़ की टोटल नेट कमाई की। इसी के साथ फिल्म फुकरे 3 का फ्रॉम डे 4 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 43.50 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म का वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 50 करोड़ ग्रॉस से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 45 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कोस्ट को मिलाकर। फिलहाल दोस्तों फिल्म फुकरे 3 बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म के द्वारा फिल्म को काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिला है। फिल्म फुकरे 3 को दोस्तों अगर आपने मिस किया है तो आप एक अभी तक बेहतरीन फिल्म को मिस कर रहे हैं। नजदीकी थिएटर्स में जाके फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं विवेक अग्निहोत्री के डायरेक्शन में बनी नाना पाटेकर अनुपम खेर पल्लवी जोशी स्टार फिल्म दी वैक्सीन वार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म दी वैक्सीन वार की तो देखते देखते फिल्म दी वैक्सीन वार के आज बॉक्स ऑफिस पर डे 4 कलेक्शन पूरे हो चुके हैं। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 की बात करें तो फिल्म दी वैक्सीन वार ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 के अंदर 2.50 करोड़ की टोटल नेट कमाई की है। इसी के साथ फिल्म दी वैक्सीन वार का फ्रॉम डे 4 तक टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से
ओनली 6 करोड़ की ही टोटल नेट कमाई कर सकी है। फिल्म के बजट की बात कर ले तो फिल्म को ओवरऑल 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है, इंक्लूडिंग प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को मिलाकर। वहीं दोस्तों फिल्म के बारे में आप सभी को बता दूं तो फिल्म दी वैक्सीन वार फिलहाल बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फिल्मों से क्लैश हो रही है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म दी वैक्सीन वार 2020 में आई कोरोना काल में भारत द्वारा बनाए गए वैक्सीन और दवाई से प्रेरित होकर के फिल्म को बनाया गया है। फिल्म को विवेक अग्निहोत्री डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म को दोस्तों आपने अभी तक देखी या ना देखी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।